बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, फिर से समय देने के लिए। सर आपको सुनते हैं तो अच्छा लगता है, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। सर जरा हम इलेक्शंस के बिल्कुल अब काफ़ी करीब आ गए हैं, सोमवार को मुंबई में वोट पड़ेंगे, आप भी मुंबई में ही हैं तो आप भी उम्मीद करते हैं वोट डालेंगे अपना। अच्छा सर बताइएगा, ये पाँचवें चरण की वोटिंग परसेंटेज जिसको बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है, ये मान लो थोड़ी एवरेज से ज़्यादा आ गई तो क्या फिर इससे बाज़ार चलेगा? ये बाज़ार इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस क्यों कर रहा है सर? धन्यवाद डिप्टी जी आपका। आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये चर्चा जो है प्रतिशत को लेकर के मतदान की, जो मैंने देखा है और मैं शायद गलत हूं समझने में, तो आप मुझे सही करिएगा। ये सिलसिला चला मेरे ख्याल से जब तीसरा चरण खत्म हुआ, उसके बाद ये जो अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है हमारे पास, यूट्यूब व्हाट्सएप एक्स इंस्टा वगैरह में, वहां पर काफी कुछ बुद्धिमान लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया देने के बाद काफी कुछ लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा और सुना, और उसके बाद अनिश्चितता का वातावरण ज्यादातर जो विपक्ष के राजनीतिक नेता हैं उनके तरफ से भी कुछ काफी कुछ बयान ऐसे आए जिसको लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति खड़ी हुई, और उसी कारण को लेकर के हमने 22,000 नीचे के भी स्तर देखे। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते था 21,840 के आसपास का स्तर देखा, और वहां से फिर धीरे धीरे करके ऊपर के तरफ के दायरे, जहां पर हम फिलहाल 22,500 के आसपास खड़े हैं। सोमवार को पांचवा चरण होगा और उसके बाद दो चरण और हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देशवासी अपने मतदान का प्रयोग करें। अगर आपको किसी पार्टी का कोई नेता पसंद नहीं आता है तो कम से कम जा करके नोटा पे जा करके बटन दबाएं, लेकिन जा करके वोट दें, जिससे आप अपना हक अदा करेंगे। ये जो बाकी के तीन चरण बाकी है, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर आंकड़े थोड़े बहुत अच्छे आए और जो कमियां हैं उसकी भरपाई हो जाए। 1 जून को आखिरी मतदान होगा और शाम के 6 बजे के आसपास 1 जून को एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। दूसरी तीसरी तारीख को उसकी प्रतिक्रिया होगी। 4 जून को इलेक्शन कमीशन के तरफ से औपचारिक स्तर पर घोषणा हो जाएगी चुनाव के नतीजों की। मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है डिप्पी जी, कि ये बाजार प्रयास कर रहा है एक बुनियाद बनाने का, और शायद बहुत ही नजदीक के भविष्य में एक नया सर्वोच्च स्तर बनता हुआ हम देखेंगे। लेकिन अब से लेकर के तब तक उठापटक जो बाजार में हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, वो और भी हावी हो सकती है। कुछ एक चौथी तिमाही के नतीजे भी देखना बाकी है पिछले वित्तीय वर्ष के, उस पर भी प्रतिक्रिया होगी कंपनी के आधार पर जिस तरीके से नतीजे लेकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यह डिम्पी कि ये जो उठापटक गिरावट हम फिलहाल देख रहे हैं वो शायद कारोबारियों को छोटी मध्यम अवधि के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के लिए और खड़ा करने के लिए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया है। छोटे मोटे ब्लिस मार्केट के अंदर आते रहेंगे, लेकिन जिनकी नज़र अर्जुन जैसी है तो उनका तो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बहुत साफ़ है। उनको क्या खरीदना है, कितने समय के लिए रखना, बहुत साफ़ है। इसके बीच के अंदर जो भी उतार चढ़ाव है उनसे वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो ये गुरांग सर का मानना है। दूसरा पॉइंट ये है कि 1 तारीख को जब आखिरी चरण का वोट गिरेगा उस दिन है शनिवार, तो शनिवार को शाम को ये एग्जिट पोल आएंगे, संडे को हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम देंगे 3 और 4 तारीख को रिएक्शन। तो वॉलेटाइल सेशन के लिए तैयार रखिएगा अपने आप को, और अभी तो हम 20 पे चल रहे हैं, हो सकता है 25 से 28 तक भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स ले आए ऊपर अपने आप को, उसके बाद कूल ऑफ होना तय है इसका। आगे बढ़े क्योंकि बाजार अब खुल चुका है, 52 अंकों की बढ़त है। एक्चुअली ये सारी की सारी बढ़त आप पहले भी देख चुके हो, बाजार के अंदर कुछ नया नहीं है, ये बस रुका था, हॉल्ट किया उसको, वापस से उसको उसी लेवल से शुरू कर दिया थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स के बाद।